चाइना ने फर्स्ट टाइम में ही अपना HL2M टोकामाक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, सिंपल वर्ड्स में आर्टिफिशियल सन को सक्सेसफुली स्विच ऑन किया था, जिसको लास्ट ईयर ही बनाना कंप्लीट किया था। वेलकम टू वायर्ड रियलिटी और आप देख रहे हो चाइनास न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन। लास्ट वीक फ्राइडे 4 दिसंबर 2020 को सिचुआन प्रोविंस में इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को स्टार्ट करके टेस्ट को सक्सेसफुल किया और HL2M टोकामाक रिएक्टर चाइना का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च डिवाइस है। न्यूक्लियर पावर हेल्प करता है बिजली बनाने के लिए। ये रिएक्टर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स को गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करके बिजली बनाता है। कई सालों से न्यूक्लियर फ्यूजन पे सारी दुनिया वर्क कर रही है और दुनिया का सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इंग्लैंड में ओबियंस न्यूक्लियर पावर प्लांट था। साइंटिस्ट्स का बिलीफ है कि पानी, हवा और कोयले से बनाए जाने वाली बिजली से न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाली बिजली चीप और सेफ होती है, जिससे एटमॉस्फेयर को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है। इसलिए चाइना के टोकामाक रिएक्टर को वैल्यू किया जा रहा है इम्पोर्टेंट साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए। चाइना के आर्टिफिशियल सन का टेम्परेचर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो नेचुरल सन के कोर से 10 टाइम्स ज्यादा गर्म करा जा सकता है, जिससे अनडाउटेबली ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन मैग्नेट्स और सुपर कूलिंग टेक्नोलॉजी इस हीट को रिस्ट्रेन करेगा और अगर ये रिएक्टर को अंडर कंट्रोल रखने में फेल हो गए तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन से हजारों लोगों को मरने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। हिस्ट्री में अभी तक दुनिया का सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से हुआ था, जब यूनिट नंबर 4 में ज्यादा एनर्जी बढ़ जाने की वजह से खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे बहुत से लोगों की मौत और हजारों लोग हेल्थ अफेक्टेड हो गए थे। 2011 को जापान फुकुशिमा में अर्थक्वेक और सुनामी आने की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड हो गया था। उसमें से निकलने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लीक हो गए थे हवा, सॉइल और पानी में, और अभी तक वो पानी डेंजरसली रेडियो एक्टिव है, जो ह्यूमन डीएनए को डैमेज कर सकता है। 2006 से चाइनीज साइंटिस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के छोटे वर्जन डेवलप करने के लिए काम कर रहे थे। न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है, जिसको कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, और अब चाइना प्लान कर रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट से कोलैबोरेट करके उनके ये रिएक्टर को यूज करने, ताकि वो सारी दुनिया के लिए सस्ती इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये प्लान सक्सेसफुली कम्प्लीट होगा या इंसान एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब एनवायरनमेंट पोल्यूशन और बढ़ा रहे हैं? ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करो और हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।